आने वाले 16 दिसंबर को रीवा जिले में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल रहेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और रीवा जिले के विधायक राजेंद्र शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। विधायक ने कहा कि किसानों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी के द्वारा देश भर के अलग अलग जगहों में किसान सम्मेलन कर किसानों को किसान बिलों के बारे में अवगत कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के तहत रीवा और शहडोल संभाग के किसानों को रीवा के NCC ग्राउंड में आने वाले 16 दिसंबर को किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की मिलीभगत बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार है। वहीं मीडिया के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्या को जगह मिलने के सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जी का स्नेह लगातार विंध्य क्षेत्र पर बना हुआ है। वैधानिक रूप दिया है, मतलब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही किसानों की हालत को लेके लगातार सभी वर्ग के लोग चिंता व्यक्त करते रहे। सिंचाई के साधन बढ़ाए गए, बिजली की सप्लाई बढ़ाई गई, खाद और बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि किसानों की उपज की मूल्य को लेकर समर्थन मूल्य के बाद भी, खरीदी केंद्रों की व्यवस्था के बाद भी, मंडियों की व्यवस्था के बाद भी उसमें विशेष सुधार की आवश्यकता है, जिससे किसानों को मुक्त बाजार की सुविधा मिले, एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा स्थापित हो सके, किसान अपने जमीन पर खुद या किसी का सहयोग लेके उसमें फसल पैदा करे और उसको जहाँ बेचना चाहे वहाँ बेच सके, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको मालूम पड़ सके कि उसके का मूल्य आंध्र प्रदेश में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, भोपाल में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। उन सब चीज़ों की सुविधाओं से यदि किसानों को युक्त कर दिया जाएगा तो फिर सिंचाई, बिजली, खाद, बीज, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना के अलावा भी उनको एक ऐसी सुविधा मिलेगी जो उनको समृद्धशाली और गरीबी से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। और इसलिए जैसा हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उलझे हुए मामले को सुलझा रही, 370 35 से समाप्त करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ज़रूरी काम है। इसी प्रकार से 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को राहत देने वाला काम भी कोई छोटा काम नहीं था। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बने, कितने लंबे समय से देश को उठा के रखा हुआ था इस मुद्दे ने और कितनी सहजता के साथ ये मामला निपटा, ये सरकार की कुशलता का परिचय है। और उसी प्रकार से ये मुद्दा भी बार बार कहा जा रहा है कि खरीदी केंद्र समाप्त नहीं होंगे, APMC एक्ट अपने पहले की तरह APMC लागू रहेगा, मंडियां स्थापित रहेगी और उसके बाद ये अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए किसानों को ये व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब और हरियाणा के वो लोग जो किसानों के लाभ में से दलाली खाने का काम करते रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियों का गठबंधन हो गया और वो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। उन भ्रम को दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि किसानों का भविष्य का सवाल है, उनकी गरीबी से उनको मुक्ति दिलाने का सवाल है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में 100 सभाएँ करेंगे, किसान सम्मेलन पूरे देश में, जिसमें मध्य प्रदेश में 7 जगह होगी किसान सम्मेलन होंगे, रीवा और शहडोल संभाग को मिला के रीवा में है, इसी प्रकार से उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में किसान सम्मेलन है और रीवा में 16 तारीख निश्चित हुई है
एनसीसी के ग्राउंड में 11 बजे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुधर शर्मा जी आएंगे और वहाँ पर किसान सम्मेलन में वो किसान कानून में क्या प्रावधान है और क्या भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी और वो लोग जो किसानों के और बाजार के बीच में अपनी रोटियां सेकने का काम करते रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है, वो लोग किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, इसका पूरा पर्दाफाश वहाँ पर वो करेंगे और इसके लिए किसान सम्मेलन का आयोजन है। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब इस किसान सम्मेलन को के विषय को जो हमने आपको दिया है उसमें वो सारे मिथक हैं, हमारा पहले प्रश्नोत्तर है उसके बाद वो मिथक है, क्योंकि कई दौर की चर्चा पिछले 10 दिन से हो रही है, आप लोग देख रहे हैं टीवी में आ रहा है, किसानों से प्रतिनिधि आ रहे हैं, वहाँ पर 3-3 मंत्री उनके साथ बैठक कर रहे हैं, उनकी जो ऐसी मांगे हैं जिस पर वो बातें करते हैं उसको वो स्वीकार कर लेते हैं, जैसे वो कहते हैं कि SDM कोर्ट में नहीं, यदि कोई किसी से किसान ने करार कर लिया जमीन चली जाएगी तो बताएगा भाई जमीन नहीं जाएगी, तो फिर जमीन का एग्रीमेंट करने का इस कानून में प्रावधान ही नहीं है, फसल का एग्रीमेंट होगा, जमीन के टाइटल से संबंधित कोई एग्रीमेंट होना नहीं है। जब ये स्पष्ट कर दिया जाता है तो कहते यदि कोई विवाद होगा तो SDM कोर्ट में जो दिया गया उसको सिविल कोर्ट में किया जाए, तो उनको ये बताया गया कि SDM कोर्ट को करने के पीछे उद्देश्य ये था कि किसानों के सबसे नज़दीक यदि कोई अदालत है तो SDM है, यदि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा तो उसमें सरकार की ओर से ये बाध्यता नहीं है कि फैसला जल्दी हो, लेकिन फिर भी यदि आप कहते हो तो हम इसका भी प्रावधान कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें बताने के बावजूद भी गतिरोध समाप्त करने के वो तैयार नहीं है और एक ऐसा अवसर किसानों के सामने जो सरकार लाना चाहती है जो उनके तरक्की से जुड़ा हुआ है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।